हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाउंडेशन लर्निंग। हम लोग सीए फाउंडेशन कोर्स के मैथ्स वाले सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने एक लेक्चर डिस्कस कर लिया है, इसका नाम है रेशो। चैप्टर वन में हमारे फोर टॉपिक्स कवर होते हैं, जिसमें हमने रेशो जो है वो पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। उसके सॉल्व एंड अनसॉल्व दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग उस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नेम है प्रपोर्शन। जनरली रेशो एंड प्रपोर्शन जो है वो हमेशा साथ ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन के साथ आता है, और प्रोपोर्शन जो है वो रेशियो के साथ आता है। दोनों का मीनिंग एक ही है और क्वेश्चंस भी सिमिलर टाइप के हमें मिलते हैं। बस जब प्रोपोर्शन हम ऐड कर देते हैं तो थोड़े से एडवांसमेंट हो जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज प्रोपोर्शन में हमें किस तरह से क्वेश्चंस मिलते हैं, क्या इसकी थ्योरी है, पूरा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शन बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है। इफ़ द इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज्ड इन अ गिवन रेशियो। ठीक है, अगर हम कहें कि किसी पर्सन की इनकम जो है वो गिवन रेशियो में इंक्रीज हो रही है, रेशियो मतलब किसी ना किसी रेशियो लाइक 1:2 या 2:3, देन टू फाइंड आउट हिज न्यू इनकम। अगर कोई उसकी किसी पर्सन की इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है, तो उसकी नई इनकम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रपोर्शन को यूज़ में लेते हैं। तो जनरली जो एग्जाम्पल दिया है वहाँ पे क्या दिया है प्रपोर्शन का, कि अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज हुई है तो हम उसकी न्यू इनकम निकालने के लिए जनरली प्रपोर्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, सपोज़ कीजिए हमें अगर दो मैन हैं उनके एज का रेशियो गिवन है। ठीक है, सपोज़ कीजिए हम कहें राम और श्याम, तो उनकी एज का रेशियो अगर 2:3 है, और अगर हमें किसी एक पर्सन की एज गिवन, सपोज़ ये राम है और ये हमारा श्याम है, 2:3 का रेशियो गिवन है, और अगर हमें सिर्फ एक सिंगल पर्सन, सपोज राम की एज गिवन हो जाए 18 ईयर्स, तो हमें पूछा ही श्याम की एज क्या होगी, तो हम इस इक्वेशन से आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए हमारी जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या बनेगी, 2:3 हमें राम और श्याम की एज का रेशियो गिवन है, विच इज़ इक्वल टू राम की एज कितनी है 18 है, और इसकी हमें निकालनी है तो हम अज्यूम कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू एक्स। अब कुछ नहीं करना होता, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रेशियो वाले में, कि हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आई होप आपको रेशियो वाला चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, तो अब तो इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x से मल्टीप्लाई होगी, 2x हो जाएगा विच इज इक्वल टू 18 × 3। ठीक है, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 × 3/2। ये तो सिंपल इक्वेशन होती है, और जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 9 आएगा यहाँ पे, 9 3 आ जाएगा 27, मतलब शाम की एज कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। अब देखिए वेरीफाई कर लेते हैं एक बार हम लोग, 2:3 का रेशियो होना चाहिए, तो यहाँ पे उसकी एज कितनी है 18 राम की, और 27 एक्चुअल एज आ रही है किसकी, श्याम की। अब इनका रेशियो आप निकालो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएंगे बताइए, 9 से, 9 2 18, 9 3 27, तो हमारा 2:3 अगेन रेशियो आ गया। इसका मतलब जो हमने शाम की एज निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट निकाली है। तो अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन गिवन हो जाए कि हमें रेशियो गिवन है और किसी एक की एक्चुअल एज गिवन होती है, ये किसी एक का कोई एक्चुअल नंबर गिवन होता है, तो हम दूसरा नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रपोर्शन। तो बेसिकली प्रपोर्शन का यूज़ यहीं पे होता है। ठीक है, अब देखिए प्रपोर्शन में हम जब पढ़ते हैं तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। अब देखिए यहाँ पे जनरली जैसे हमने पढ़ा था रेशियो में कि फर्स्ट टर्म को हम कुछ कहते हैं, सेकेंड टर्म होती है, दो ही टर्म होती है वहाँ पे, लेकिन प्रपोर्शन में 3 या 4 टर्म, मतलब मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 टर्म्स हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली लेते ही लेते हैं। तो जैसे रेशियो में हम लोग फर्स्ट टर्म, जैसे ए बाई बी होता था, तो हम लोग ए को बोलते थे एंटेसिडेंट एंड बी को बोलते थे कॉन्सिक्वेंट, वैसे ही यहाँ पे प्रपोर्शन में 4 टर्म अगर होती है तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ए रेशो बी इनका रेशो होगा, और ब्रैकेट में हम लोग या तो इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपको इस तरह से मिलेगा ए रेशो बी, और एक मिनट, आपको इस तरह से मिलेगा ए रेशो बी, और उसके बाद इक्वल का साइन सी रेशो डी। पहला तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, दूसरा क्या हो जाता है ए रेशो बी, और यहाँ पे डबल रेशो आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद सी रेशो डी, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अब इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ए रेशो को हम लोग डिवाइड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बाय बी विच इज इक्वल टू सी बाय डी। ठीक है, अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमें मिलता है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाती है किसकी, प्रपोर्शन की। देखिए यहाँ पे ये सेम निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रपोर्शन में हम लोग जनरली 4 टर्म्स को लेते हैं, तो इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। ये चारों टर्म के नेम्स उनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको कोई भी 3 टर्म्स दे दी जाएगी और एक पूछी जा सकती है। ठीक है, अब वो कौन सी टर्म वो बोलेगा, फोर्थ टर्म निकालिए कि सेकेंड टर्म निकालिए, थर्ड टर्म निकालिए, तो उसी प्लेस पे आपको रख रख के निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म होती है बी एन सी, क्योंकि ये मिड में आ रही है इसलिए इसे कहते हैं मिडल टर्म।
ठीक है, क्योंकि ये कहाँ आ रही है, सेंटर में आ रही है, मिडल में आ रही है, इसलिए बी और सी को हम बोलते हैं मिडल टर्म। ए और डी क्योंकि हमारे आउटर प्लेसेस पे आ रही है, एक्सट्रीम एंड्स पे आ रही है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम या फिर आउटर टर्म। ठीक है, इनसे हम एक्सट्रीम बोल सकते हैं। अब मिडिल टर्म को हम लोग मीन भी जनरली कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रपोर्शन में रेशियो में तो दो ही थे, एक तो था फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, लेकिन यहाँ पे दो टर्म जो होती है मिडिल में होती है उसको हम कहते हैं मीन्स या मिडिल टर्म, और दो होती है बिल्कुल एक्सट्रीम में जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म। और ये जो इक्वेशन निकल के आई इसमें आप थोड़ा देखेंगे गौर से तो आपको क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, और डी को हम क्या कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं, सी को थर्ड प्रोपोर्शनल, बी को सेकंड प्रोपोर्शनल एंड ए को फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हमने ये इक्वेशन निकाल ली थी ए डी इक्वल टू बी सी, पीछे अभी देखा था हमने, तो इससे क्या पता चला कि ए हमारा एक्सट्रीम एंड है, डी भी हमारा एक्सट्रीम एंड है। देखिए ए और डी एक्सट्रीम एंड्स में है और बी और सी मिडिल में है, तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम एंड वाले है उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है विच इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन्स। ठीक है, तो जो एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब यहाँ पे क्या करेगा, इन चार में से कोई एक टर्म मिस कर देगा और आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, ये हमने कैसे निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट करके तो निकाला, उस रूल को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल, जो कि आप लोगों ने अपनी 6th, 7th, 8th, 9th क्लास में डेफिनेटली पढ़ा होगा। क्रॉस प्रोडक्ट रूल हम लोग 6th, 7th में ही पढ़ लेते हैं कि कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए थ्री क्वांटिटीज ए बी सी ऑफ द सेम काइंड, यानी कि जिनकी यूनिट सेम होगी, जैसे हम कहें केजी तो केजी होना चाहिए तीनों, अगर लीटर है तो तीनों लीटर होना चाहिए, आर सेट टू बी इन कंटिन्यूस प्रपोर्शन इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, दैट इज ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे हमने चार प्रपोर्शन लिए थे तो हमने क्या बनाया था, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया यहाँ पे, ए डी इक्वल टू बी सी हो गया। अब अगर मैं तीन ही वैल्यूज देती हूँ, मैंने कहा था आपको कि प्रपोर्शन में तीन मिनिमम और चार मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं तीन लेती हूँ तो तीन का रेशो किस तरह से बन जाएगा, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, इस बी को मैं दो बार ले लेती हूँ, तो जब यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, क्योंकि बी बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, इस इक्वल टू हो जाएगा ए सी, यानी कि बी इक्वल टू हम कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए सी। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन जाता है जिसमें अगर हमें तीन वैल्यूज, तीन प्रपोर्शन की बात आती है, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस प्रपोर्शन। ठीक है, और कोई भी अगर एक नंबर सपोज अगर पूछा है इसमें बी की वैल्यू, यानी कि मिड की वैल्यू पूछी है और दो हमें गिवन होगी, तो हम इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन देन द मिडिल टर्म बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, ए इज द फर्स्ट प्रोपोर्शनल एंड सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, और बी कौन सा है, मिड का प्रोपोर्शनल है, तो हम मीन प्रोपोर्शनल यानी कि अगर मिड की बात करें तो मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी या फिर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो फॉर्मूला है इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल, और ये फॉर्मूला एक बन जाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और अगर हमें तीन प्रोपोर्शन गिवन है तो हम बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी करके मीन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखिए वैसे तो फॉर्मूले को रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको ये चीज़ पता चल गई है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है तो सिंपली आप यहीं पे वैल्यू पुट कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मत सोचिए कि हमें इतने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ रेशो का एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं प्रोपोर्शनल में बस, फिर हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करो और वही अपना फॉर्मूला अपने आप निकल के आ जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली थी प्रोपोर्शन और रेशो में, कि जहाँ पे हमने रेशो पढ़ा था वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर हम ए और बी को ले रहे हैं, अगर हम उन दो का रेशो निकाल रहे हैं तो वो दोनों सेम काइंड के होने चाहिए, इट मीन्स उनकी जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए, जैसे अगर हम ए कहे केजी में है तो बी भी केजी में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसको ए को केजी में ले रहे हैं और ये मीटर में ले रहे हैं, क्योंकि रेशो जो है वो हमेशा सेम काइंड में निकलता है। लेकिन प्रपोर्शन में ऐसा नहीं होता, प्रपोर्शन में अगर हम ए बाय बी इन दोनों को, ये क्योंकि एक रेशो हो गया, अब यहाँ पे इक्वल टू के बाद अगर सी बाय डी हम लेते हैं, ये दूसरा रेशो हो गया, तो जो इस रेशो की जो यूनिट होगी वो ज़रूरी नहीं है इस रेशो के सेम हो या नहीं हो, वो इससे अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, सपोज़ कीजिए यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं, तो किलोमीटर किलोमीटर मैंने ले लिया, और यहाँ पे अगर मैं वेट को मेजर करूँ तो सपोज़ मैंने केजी केजी ले लिया, तो भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए उसका रीज़न क्या है,
कि यहाँ पे तो हम लोग जब रेशो निकालते हैं तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, एक डेफिनेट नंबर आ गया। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं कहूँ कि 2/3 है और यहाँ पे मैं कहूँ 4/5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे के एम यानी किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे के जी से कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया, एक सिर्फ नंबर बन गया। तो हम नंबर्स को तो इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान इतना रखना है कि जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तब हम यूनिट जो है उसके साथ बताएंगे कि ये तो है अपना केजी में था और ये हमारा किलोमीटर में था, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन जहाँ पे हम बात करें कि जहाँ पे तीन क्वांटिटीज आती है, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल देखा अभी, इसमें ए बी और बी बाई सी, वहाँ पे सेम काइंड का होना ज़रूरी है क्योंकि ये बी जो है वो दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या था, सी था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये बी जो है वो दोनों तरफ जा रहा है, अगर सपोज कीजिए ए केजी में है और बी भी केजी में है, तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे जब रेशो निकलेगा तो इस केजी के साथ अगेन केजी ही तो आना चाहिए, क्योंकि रेशो में तो हमारा यूनिट सेम चलती है लेकिन प्रपोर्शन में अलग हो जाती है। तो जब इस रेशो में बी हमारा केजी में आ रहा है और इस बी को हम दूसरे रेशो में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली जो इसके साथ दूसरी टर्म जुड़ेगी यानी कि सी जो जिसके साथ जुड़ा है वो भी केजी में यानी कि उसी यूनिट में होना चाहिए जिसमें बी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। तो अब तक हमने क्या देखा कि रेशो और प्रोपोर्शनल बेसिकली होता क्या है, उसमें दो मेन चीज़ देखी हमने, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एंड अगर हमें तीन टर्म गिवन है जिसे हम कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में कहते हैं, उसमें अगर हमें मीन निकालना है तो हम निकालेंगे बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलेज आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर आप याद नहीं भी करना चाहते हैं तो सिंपली ध्यान रखिएगा कि ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, और हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करते हैं। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे क्या है, प्रपोर्शन के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखिए, व्हेन थ्री और मोर नंबर्स आर सो रिलेटेड दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड, द रेशियो ऑफ सेकेंड टू द थर्ड, थर्ड टू द फोर्थ एक्सेट्रा आर ऑल इक्वल। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर हमें मल्टीपल नंबर्स गिवन है, सपोज कीजिए, तो नंबर्स आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कैसे, कि सपोज हमें एक्स वाई जेड गिवन है, अब सेकेंड का रेशियो किसी और थर्ड नंबर से, थर्ड का रेशियो किसी और फोर्थ नंबर से, और फोर्थ का किसी और फिफ्थ नंबर से, तब हम क्या कहेंगे कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी एंड क्यू आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। जैसे सपोज हमें क्या है, इस तरह से कहेंगे 1/2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 4/5 एंड सो ऑन। तो हम क्या कहेंगे कि 1, 2, 3, 4 ये किस में, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, ठीक है। इफ अ रेशियो इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन आइदर ऑफ दैम इज द इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ द अदर। मतलब अगर हम कहें रेशियो रेसिप्रोकल है, जैसे सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, 5/4 इज इनवर्स प्रपोर्शन ऑफ 4/5। मतलब अगर हम कहें 5/4 इसका इनवर्स प्रपोर्शन बताइए, तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स मतलब होता है अपोजिट यानी कि उल्टा। तो इस नंबर को ऊपर कर दीजिए और इसको नीचे कर दीजिए, तो आ जाएगा आंसर 4/5, और 4/5 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा। मतलब ये वाइस वर्सा होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक नोट मेंशन है, इस नोट को हम रीड आउट कर लेते हैं। इन अ रेशियो ए रेशियो बी बोथ क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको कि रेशियो में जो है क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। व्हाइल देयर प्रोपोर्शन ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, ऑल द फोर क्वांटिटीज नीड टू बी ऑफ द सेम टाइम, नीड नॉट बी, यहाँ पे देखिए मेंशन है नीड नॉट, ठीक है। द फर्स्ट टू क्वांटिटीज शुड बी ऑफ द सेम काइंड, क्योंकि ये रेशियो में है एक, ठीक है, एक रेशियो बना रही है ये, एंड द लास्ट टू क्वांटिटी शुड बी ऑफ द सेम काइंड, क्योंकि ये भी एक रेशियो बना रही है। तो जब हम रेशियो की बात करेंगे तो क्वांटिटीज हमारी सेम काइंड की आ जाएगी, लेकिन जहाँ पे रेशियो नहीं है, मतलब इसमें इसमें तो कोई रेशियो नहीं है ना, तो ये हमारी डिफरेंट काइंड की हो सकती है, ठीक है। वही बात जो मैंने अभी कही थी वही बात रिपीट हुई है। चलिए अब आगे देखते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशन, अभी तक जो हमने पढ़ा कि उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, रुपीज़ गिवन है, ₹6 एंड ₹8, विच इज इक्वल टू 12 टॉफीज एंड 16 टॉफीज। समझ में आया होगा, यहाँ पे हमें यूनिट मिली है रुपीज में और यहाँ यूनिट मिली है टॉफी में, बीच में इक्वल टू का साइन है, यानी कि ये दो नंबर रेशियो में है और ये दो नंबर भी रेशियो में है। तो हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 6/8 इज इक्वल टू 12/16। अब इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर ले। ये तो सिर्फ बताया है यहाँ पे कि सेम काइंड में नहीं है, ये रुपीज में है और ये हमारा किस में, टॉफी, यानी कि एक नंबर है पर्टिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका अगर हम फाइनल निकाले प्रपोर्शन, वैसे तो ये सिंपली गिवन है क्वेश्चन, एक बताया है कि इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये भी सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये और कट सकता है अभी, ठीक है। तो इसका आ जाएगा अपना 3/4, और ये अपना कितना आ जाएगा, 4 से अगर जाए तो 4 3 12 एंड 4 4 16, तो दोनों इक्वल आ गए यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द नंबर है 2.4, 3.2, 1.5 एंड 2, ठीक है, आर इन प्रोपोर्शनल बिकॉज
दीज नंबर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स मीन्स। अब देखिए अगर आपको चार नंबर गिवन है और अगर पूछे कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो आप सिंपली ये रूल लगा दीजिए, मतलब जो जो जहाँ पर है, सपोज ये एक्सट्रीम है इसको इस वाले एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये मीन्स है इनको मीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2.4 को 2 से तो आया 4.8, और 3.2 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 4. आया, फॉर मतलब ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी आ गया, तो मतलब ये प्रोपोर्शन में होंगे। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए सेकेंड में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे मैंने कहा था कि आपको कोई तीन टर्म दे देंगे और एक मिस कर देंगे, इफ़ 10/3 यानी कि 10/3 रेशो एक्स इक्वल टू किसके है, 5/2 रेशो 5/4 के है, ये गिवन है अपनों को। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, वही जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाते हैं वही करना है यहाँ पे, या फिर आप अगर फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, ये अपना ए बी सी और डी होते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाएगा। तो ए क्या है मेरा 10/3, इसको एक मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से, विच इज इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स, एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे आप, ये कितना हो गया, अगर 2 से हम काटें इसको, ये 5 से काट देते हैं यहाँ पे, तो 25 अपॉन कितना हो गया ये 6 इज इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स को इधर रहने देते हैं और इस नंबर को इस तरफ ले आएंगे, तो जब भी हम डिवाइड मल्टीप्लाई वाली टर्म को इधर लेके आते हैं तो वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल यानी कि इन्वर्स हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 25/6 इंटू हो जाएगा 2/5 से, तो ये 5 टाइम्स गया और ये 3 टाइम्स गया, तो आंसर हमारे पास आया 5/3। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 5/3 आ रहा है। सिंपली कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली जो हमने रेशियो वाले चैप्टर में भी की थी वही है, सेम टू सेम। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोई भी तीन टर्म देके और कोई एक टर्म पूछ लेंगे तो वो हमें क्रॉस प्रोडक्ट रूल से ईजिली निकल जाएगी। समझ में आया होगा आपको। अब हम थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका फटाफट से, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस नंबर, तो अगेन हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 4 यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, ये दोनों हमारे मीन्स हो गए, तो वही करना है, 3/7 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, विच विल इक्वल टू 2/3 इंटू हम लोग एक्स अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आप देखिए ये कितना हो गया, 12/7 इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स। अब इस x को मैं ये रहने दूंगी, तो जब ये नंबर इस तरफ जाएगा तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल में करते हैं सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे 12/7 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू एक्स, ये कैंसिल आउट हो गए, तो 6 3 18/7 इसका आंसर आ जाएगा हमारा, किसका, x की वैल्यू, यानी कि जो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 18/7। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, आपके क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे आपको समझ में आ गया होगा, कि कोई भी चार वैल्यू में से कोई तीन वैल्यू आपको दे देंगे और एक पूछ लेंगे, तो आपको सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट रूल से उसको निकालना है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2.4 kg एंड 9.6 kg। ठीक है, अब देखिए थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, इसका मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया था अगर तीन वाले वैल्यू आती है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, b इक्वल टू रूट ऑफ ए सी, यानी कि हमें c निकालना है, तो b की वैल्यू 9.6 गिवन है क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है इसमें। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, b स्क्वायर इज इक्वल टू कर लेते हैं ए सी, तो b की वैल्यू कितनी 9.6, तो 9.6 को मैं 2 टाइम्स लिख लेती हूँ क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 होता है। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.4 गिवन है, और इंटू है ये c से, किससे मल्टीप्लाई है, ये सी से मल्टीप्लाई है, हमें निकालना क्या है सी, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.6 इंटू 9.6 अपॉन 2.4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 38.4। ठीक है, तो सिंपली ये तीन प्रोपोर्शन वाला आ गया, अभी तक हमने देखे थे चार वाले, ये तीन वाला आ गया। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं, अच्छा अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी कुछ डरने की बात नहीं है, आप क्या करेंगे उसमें ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी करेंगे, क्योंकि तीन प्रोपोर्शन वाला में बी वाला टर्म रिपीट होता है, हमें पता होना चाहिए। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 2.4, यहाँ पे 9.6 विच इज इक्वल टू 9.6 अगेन बी की वैल्यू, और सी हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2.4 सी इज इक्वल टू 9.6 इंटू 9.6, और अगर हम सी निकालें तो वो क्या हो जाएगा 9.6 इंटू 9.6 अपॉन 2.4, वही सेम आ गया जो यहाँ पे आया था, जो पहले आया था, आंसर आ जाएगा 38.4। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये ध्यान रखना है, बस ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब तीन प्रपोर्शन होता है तो यहाँ पे बी रिपीट होता है, लेकिन अगर तीन प्रपोर्शन नहीं है तो यहाँ पे सी बाय डी हो जाता है। ठीक है, चलिए
अब फिफ्थ नंबर का देख लेते हैं, फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन, आप देखिए अगेन ये तीन वाला ही है, इनके बीच का पूछा है आपकी बार, इसमें पूछा है थर्ड नंबर का यानी कि सी, इसमें पूछा है मी मतलब बी, तो सिंपली इसका तो फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए सी, तो रूट ऑफ 1.25 इंटू 1.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.25, और 2.25 जो है वो 1.5 का अंडर रूट होता है, मतलब जब हम 1.5 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आता है 2.25। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, 5 एग्जांपल्स हो गए हैं। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है यहाँ पे प्रोपोर्शन की, वो फटाफट से देख लेते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ पर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में डेफिनेटली हेल्प करती हैं, इसलिए इनको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वही है जो हमने अभी तक देखी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली, कि अगर रेशो ए रेशो बी और सी रेशो डी है देन ए डी इक्वल टू बी सी हो जाता है, ये हमने देखा था। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वही चीज़ है ये। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आया है तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी हम लोग कह देते हैं। ठीक है, ये तो हमको पता है, सिंपली है ये। तो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो देखिए, इसमें क्या बोला है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू ए सी रेशो डी देन बी रेशो ए, यानी कि हम इनका अगर इन्वर्स कर दें। ठीक है, ए बाय बी हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, और अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ बी अपॉन ए, तो मुझे यहाँ पे भी इन्वर्स करना पड़ेगा यानी कि डी अपॉन सी करना पड़ेगा, तो ये भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो। ठीक है, क्योंकि इन्वर्ट किया है हमने रेशोज को, तो इसको नाम दे दिया हमने इन्वर्टेंडो। ईजी है सिंपली। ठीक है, क्या किया, सिर्फ इन्वर्स कर दिया उनके प्लेसेस को। अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है, इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी देन ए रेशो सी इक्वल टू बी रेशो डी, यानी कि हमने क्या किया, इन दोनों के मीन्स की जो प्लेस थी उनको बदल दिया। देखो इन्वर्टेंडो में हमने रेशो को इन्वर्ट किया है, इंडिविजुअल रेशो को। ये जो प्रॉपर्टीज हम कहते हैं ऑल्टरनेंडो, और इसमें हमने क्या किया, जो मीन्स हैं उनकी प्लेसेस को बदल दिया। अब ये बदलते कैसे हैं, देखिए यहाँ से ध्यान रखिएगा कैसे करते हैं इसको, इसका वेरिफिकेशन भी यहाँ पे गिवन है, एक बार वेरिफिकेशन समझ लेते हैं, ये काम का नहीं है, आपके इस पे क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे। तो जो नॉन मैथ्स है वो अगर सोच रहे हैं कि हमें काम करनी है तो हम नहीं पढ़े, तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको जानना है कि ये हुआ कैसे, तो वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कैसे होता है। ये देखिए ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है। ठीक है, हमें पता है, हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ए डी इक्वल टू बी सी हमारे पास आ जाता है। अब हमने क्या किया, इस ए डी अपॉन बी सी को दोनों तरफ से सी डी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इधर भी सी डी से डिवाइड कर दिया, इधर भी सी डी से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से अपना सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो जो रेशो बना वो क्या बना, ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। अब ए बाई सी मतलब ए और सी का रेशो हो गया, और बी और डी मतलब बी और डी का रेशो हो गया। तो अब या तो इस तरह से कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि हमने इसकी मीन्स की जो प्लेस है उनको इंटरचेंज कर दिया, इसलिए इसको बोल दिया हमने ऑल्टरनेंडो। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली हो गई, सेकेंड इन्वर्टेंडो जिसमें हमने रेशो को इन्वर्ट किया है, और थर्ड वाली ऑल्टरनेंडो जिसमें हमने मीन्स की प्लेसेस को ऑल्टरनेट किया है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी देन ए प्लस बी, यानी कि हम जो सेकेंड है, सेकेंड प्रपोर्शन है उसको ऐड करेंगे फर्स्ट वाले में, और यहाँ पे जो फोर्थ प्रपोर्शन है उसको ऐड करेंगे थर्ड वाले में, तो ये भी एक वैलिड रेशो बन जाता है, वैलिड प्रपोर्शन बन जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। ये कैसे बनता है, इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं, हमें ये पता होता है, सिंपल ये होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ प्लस वन को ऐड कर दिया, जब हम प्लस वन को ऐड करेंगे तो ये किस में इक्वल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे बी आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। ठीक है, अब अगर इन दोनों का रेशो लेते हैं तो यही तो हो गया ए प्लस बी रेशो बी, क्योंकि डिवाइड के साइन को हमने रेशो में कन्वर्ट कर दिया, विच इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। तो अगर हमने कोई चीज़ दोनों तरफ करी है तो रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हम कोई भी चीज़ करते हैं तो दोनों तरफ उसे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, जिसमें हमने फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म को ऐड किया है और थर्ड में फोर्थ को ऐड किया है। फर्स्ट कौन सी थी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन इन्वर्टेंडो, देन ऑल्टरनेंडो, एंड थर्ड फोर्थ वन इज कॉम्पोनेंडो। फिफ्थ जो आती है उसे हम कहते हैं डिविडेंडो। उसमें हमने क्या किया, कॉम्पोनेंडो में तो हमने बी को ऐड किया और यहाँ डी को ऐड किया, इसमें हम माइनस कर देंगे, जो हमने कॉम्पोनेंडो में एडिशन किया है उसी चीज को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे ऐड करने के लिए हमने प्लस वन किया था, तो यहाँ माइनस करने के लिए माइनस वन कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा ए माइनस बी रेशो बी सी माइनस डी रेशो डी। ठीक है, इसे बोलते हैं डिविडेंडो। अब डिविडेंडो से कन्फ्यूज होता ना कि आप डिवाइड कर दो, डिवाइड का नहीं होता, डिविडेंडो मतलब कुछ चीज़ उसमें कम हुई है। ठीक है भाई, डिविजन से भी हमारा कम होता है और सब्ट्रैक्शन से भी कम होता है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेशो तो ऑलरेडी डिविजन फॉर्म में ही होता है, तो हम इसमें प्लस और वही करेंगे, माइनस ही करेंगे। फिर सिक्स देख लेते हैं, इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी देन ए प्लस बी
रेशो ए माइनस डी इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। इन दोनों प्रॉपर्टीज को हमने मर्ज कर दिया तो ये हो गई हमारी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे हुई? पहले वाले में तो प्लस वन करके हमने ये निकाल लिया, ठीक है, दूसरे वाले माइनस वन करके ये निकाल लिया, ये हमारा कॉम्पोनेंडो और ये हमारा डिविडेंडो। अब क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया इन दोनों को। जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा और डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए रेशो बी रेशो सॉरी ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी देन इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। तो ये हमारा सिंपल निकल के आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत इजी से वेरिफिकेशन है इनके, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें, सिर्फ हमें प्लस वन करना है माइनस वन करना है फिर डिवाइड करना है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारी सिक्स प्रॉपर्टी हो गई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। फर्स्ट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था, सेकेंड में इन्वर्टेंडो था जिसमें हमने क्या किया था, रेशो को इन्वर्ट किया था, ठीक है, और थर्ड जो था वो था हमारा ऑल्टरनेटो जिसमें हमने मीन्स की प्लेसेस को ऑल्टरनेट कर दिया था। फोर्थ हमारा कॉम्पोनेंट है जिसमें हमने सेकेंड प्लेस जो है यानी कि बी को हमने फर्स्ट में ऐड किया और थर्ड प्लेस में हमने फोर्थ प्लेस को ऐड किया। डिविडेंडो में हमने जिसको माइनस कर दिया और कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो हमने क्या किया, ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी और सी प्लस डी रेशियो सी माइनस डी। सिंपल है ये तो, ठीक है, याद भी हो गए होंगे अभी तक तो आपको। फिर सेवन्थ जो प्रॉपर्टी है वो लास्ट प्रॉपर्टी है, वो देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इक्वल टू ई रेशो एफ। एक रेशो कंटिन्यूस सीरीज में गिवन है, देखिए यहाँ पे है ना, जैसे सपोज यहाँ पे इस तरह से गिवन है 2/3, फिर इक्वल टू सपोज यहाँ पे कीजिए 5/7 इक्वल टू 11/2 इक्वल टू 5/4 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर कोई रेशो कंटिन्यू गिवन है देन ईच ऑफ दीज रेशोज इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएंगे, हम ऊपर वाले टर्म्स को ऐड कर देंगे और नीचे टर्म्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाएंगे वो लोग, यहाँ पे जाएगा 2+5+11+5 और नीचे हो जाएगा 2+3+7+2+4। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, रेशो को अगर ऐड किया है तो हमें क्या बोलेंगे, इसको एडेंडो, क्योंकि रेशो को हमने इसमें ऐड किया है तो इसको हम बोलते हैं एडेंडो। तो क्या करेंगे, जो ऊपर की टर्म्स हैं उनको ऐड कर देंगे और नीचे की टर्म्स को ऐड कर देंगे, तो हमारा इस तरह से कुछ निकल के आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई डॉट 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 बी प्लस डी प्लस एफ डॉट डॉट डॉट। और ये इक्वल टू किसके हमने माना, के। के कोई ऐसा नंबर होगा फाइनल नंबर जिसके इक्वल ये कोई वैल्यू लेकर आएंगे, तो के बेसिकली क्या है, कोई वैल्यू होगी जिसके ये सब लोग इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो के हम बेसिकली यहाँ पे मैथमेटिक्स में कांस्टेंट बोलते हैं इस के को, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर नंबर होगा जिसके इक्वल इनका एडिशन होगा, ठीक है भाई। अब ऐड करेंगे तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही, उसे हमने यहाँ पे के से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो अभी चीज ध्यान रखिएगा कि ये इनका जो एडिशन होगा ऊपर वाले टर्म्स का नीचे वाले टर्म्स से, भाई ऊपर टर्म्स का एडिशन कर दिया और निचले टर्म्स का एडिशन कर दिया, तो ये भी एक पर्टिकुलर रेशो में रहेंगे, इनका कभी भी रेशो जो है वो चेंज नहीं होगा, ये सब भी किस में रहेंगे, इज इक्वल टू ईच रेशो, इक्वल टू ईच रेशो के रहेंगे। मतलब अगर हम ए प्लस सी प्लस ई प्लस इन टर्म्स को रेशो कर रहे हैं, मतलब बी प्लस डी से कर रहे हैं, तो ये भी किसी एक रेशो में रहेंगे और हर एक रेशो के इक्वल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल किया हुआ है पहले से, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हमारी टोटल सेवन प्रॉपर्टीज हो गई हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडेंडो। फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, देन दोनों कंबाइंड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, एंड देन फाइनल आती है सेवन एडेंडो। तो ये तो हमारी थ्योरी हो गई अभी तक प्रोपोर्शन वाले चैप्टर की। एंड आपके अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके मैं डेफिनेटली वहाँ पर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।